डिफेंस एस्पिरेंट्स वेलकम बैक टू टागर डिफेंस एकेडमी सो फिर आज सैटरडे है, है ना कितनी अजीब चीज़ होती है कि सैटरडे आता है वीकेंड आता है लगता है मज़े करेंगे फिर मैम आप करंट अफेयर लेके आ जाती हैं फिर पढ़ना पड़ता है बट क्या कर सकते हैं कहते हैं ना कि इट इज़ द लॉ ऑफ द नेचर कि हमें कुछ चीज़ें करनी ही पड़ेंगी क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए और एक थ्योरी है जो कि सबने जिस सब ने सुनी होगी डॉर्विन की जिसमें वो कहते हैं कि नेचुरल uh, सिलेक्शन में बोलते हैं कि ये चीज़ सर्वाइवल ऑफ़ द फिटेस्ट तो वो सर्वाइवल ऑफ़ द फिटेस्ट के चक्कर में हमें इतना गल करना पड़ता है बट द डे वेन यू विल सेल आउट उस दिन आपको बिलीव होगा कि नहीं वो वर्थिट था वर्दी इनफ था वो पर्टिकुलर स्ट्रगल वो पर्टिकुलर मेहनत कि आज जब आपको वो एक प्लेस पे स्टैंड कराएगी तो आप फील करोगे कि यस इट वाज इनफ कि हाँ इतना अगर मैंने किया ना होता तो आज मैं यहाँ ना होता खैर ये तो हो गई थोड़ी सी मोटिवेशनल बात अच्छा लगता है सुबह सुबह कुछ अच्छी अच्छी बातें से अपना सेशन स्टार्ट करो ओके विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स विद अ वेरी फर्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है करंट अफेयर्स फॉर एट जुलाई राइट अब धीमे धीमे एट जुलाई के साथ पीछे का काउंट भी देखते रहना ठीक चलो अब आते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पे फर्स्ट स्लाइड का क्वेश्चन है हैवी कहते हैं मैम आप आती क्या है क्वेश्चन ही हैवी ले आती हैवी है क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन बहुत सिंपल है इट्स जस्ट द वे यू आर गोइंग टू डील विद इट राइट अब देखिए क्या कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आर्टिकल थ्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल थ्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ रही है किसके रिगार्डिंग हमें बताना है अब आर्टिकल थ्री किसको नहीं पता आर्टिकल थ्री मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा कि आर्टिकल थ्री क्या कहता है फॉर्मेशन और

कहोगे आप मैम आपको कैसे पता है बेटा अब कैसे पता है ये मत पूछो क्योंकि सीरियस के में जब एक दो तीन अटेम्प्ट में पेपर नहीं निकलता है ना उसके बाद आपकी जो वो फाइट आती है ना कि नहीं यार आप मेहनत करनी और फिर जब आप लगातार क्वालिफाई करते हो तो ये नहीं है कि आपने एक क्वालिफाई किया सीडियस दूसरा क्वालिफाई किया तीसरा क्वालिफाई किया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हो जाता है वो ये हो जाता है कि क्वालिफाई करने के साथ साथ आपकी जो क्वालिटेटिव कंटेंट की जो एक इंडेक्स हो जाता है ना आपके माइंड में उसको कभी भी कोई हटा नहीं सकता ठीक है तो बस मेरा उतना ही है और जितना मेरे से हो पाता है मैं आप तक डिलीवर करती हूँ ठीक अब इंपॉर्टेंट क्या है ये पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये तो हमने बता दिया आर्टिकल थ्री फॉर्मेशन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट एंड चेंज इन द नेम ऑफ एक्जिस्टिंग स्टेट ठीक है अब ये पॉइंट आता है कि हम इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं तो अभी मणिपुर में वॉल्यूस चल रही है मणिपुर में जो वॉयलेंस चल रही है उसी से रिलेटेड है ये पर्टिकुलर टॉपिक कि ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ठीक अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है क्वेश्चन में करने के साथ आते हैं पहले हमें क्या दिया हुआ है अंडर एट स्टेट्स ऑप्शन जो दिया है उसके अकॉर्डिंग दिया है अंडर एट स्टेट कैन ऑल्टर देयर बाउंड्रीज मतलब आर्टिकल थ्री के अंदर सेकंड इट अंडर इट पार्लियामेंट कैन चेंज द नेम ऑफ एनी एग्जिटिंग स्टेट एंड द थर्ड इज अंडर इट पार्लियमेंट कैन फॉर्म कम्प्लीटली न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग द टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट ना दे आर आस्क हाउ मेनी ऑफ द अब स्टेटमेंट आर करेक्ट अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं नहीं कहती की आंसर करो मैं ये कहती हूं कि पहले एक्सप्लेनेशन समझो तब आंसर करो ये कोई बहुत ज्यादा वैसा बैटल नहीं चल रहा है कि नहीं आपको ऑनसर करना ही है या मुझे क्वेश्चन पूछना ही है पॉइंट ये है कि समझ में आना चाहिए जिसका जो कि क्रक्स है पूरे उसका ठीक है अब ध्यान से देखना इस बात को

कहीं ना कहीं प्रोबोक होता है तो इन्होंने कहा जो कम्युनिटी के लिए भी उनको सेपरेट स्टेट चाहिए किसान अंडर आर्टिकल के थ्री बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मनीपुर बिटवीन मीटी एंड कुकू जोमी कम्युनिटी अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है स पर्टिकुलर कम्युनिटी के बीच में स्प्रॉइट चल रहा है मीटी और कुकुजोमी कम्युनिटी में मणिपुर में तो मिजोरम ने कहा कि कहीं हमारे स्टेट में ऐसी कोई सिचुएशन ना आए इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे भी दो स्टेट्स बने ठीक अब पॉइंट यहां पे खत्म नहीं होता सेकंड क्या कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल थ्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या क्या है बहुत ध्यान से देख लो ठीक है इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई कि मेरा जाना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका जाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने मेरे को जब क्लियर करने थे या मेरे को जब फेलियर्स फेस करने थे मैंने किए अब आपकी टर्न है तो मैं आपके हाथ में एक भी फेलियर नहीं लाना चाहती क्योंकि उस पर्टिकुलर क्वालिफाइड कहने के नंबर ऑफ एग्जाम से मैंने सीख लिया है कि आपको कैसे पढ़ाना है ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं देखिए क्या दे रहा है फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट कैसे कर सकते हैं बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और अ पार्ट ऑफ स्टेट और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू एनी पार्ट ऑफ अ एनी स्टेट ठीक है हे स्टेटमेंट थ्री तो करेक्ट थी ठीक तो समझने की कोशिश करो क्या क्या पॉइंट कह रहा है जो आप आर्टिकल थ्री में आते हैं सेकेंड क्या बोल रहा है इंक्रीज़ करना है अगर किसी एरिया स्टेट का डिमिनिश करना है अगर एरिया स्टेट का तो आर्टिकल थ्री में आएगा ऑल्टर करनी है बाउंड्री किसी स्टेट की तो वो भी आर्टिकल में आएगी आफ्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट ठीक है अब ऑल्टर करना है नेम ऑफ एनी स्टेट तो भी इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आ तो यानी स्टेटमेंट टू करेक्ट थी स्टेटमेंट वन नहीं करेक्ट थी और स्टेटमेंट थ्री भी करेक्ट थी तो कितनी स्टेटमेंट टोटल करेक्ट हो गई टू अब बहुत ध्यान से देख लो वापस क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन पे मुझे अब आप आंसर देना कि आंसर क्या है ठीक है अब इसमें देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि स्टेटमेंट वन है अंडर इट स्टेट कैन ऑल्टर देयर बाउंड्रीज बेटा स्टेट्स की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ तो फेडरलिज्म आ गया और फेडरलिज्म हमेशा ये कहता है कि ठीक है आपको चाहिए हम आपको सेंटर और स्टेट में डिवाइड करेंगे आपकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होगी इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होगी बट ये जो होगा कहीं ना कहीं इसको कुछ मामलों में हमेशा सुपरसीड कर सकता है या फिर उससे ज़्यादा वैल्यू होल्ड कर सकता है ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट क्लीन करो स्क्रीन को अब इसमें देखो क्या दे रहा है कि ये वाला तो ये तो बेटा अंडरस्टूड है मेरे ख्याल से आप अगर उससे भी करते ना गेस्ट वर्क से तो भी कर लेते पॉइंट ये है कि आपको डिटेल में समझाना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उससे और और क्या क्वेश्चन पढ़ सकते हैं वो इंपॉर्टेंट ठीक अंडर इट पार्लिमेंट कैन चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट दिस वॉज राइट स्टेटमेंट अंडर इट पार्लिमेंट कैन फॉर्म कंप्लीटली न्यू स्टेट बिल्कुल कर सकता है अगर ऐसा ना होता तो हमारा जम्मू एंड कश्मीर यूटी वगैरह कैसे बनती है ना

ठीक है अब इसमें बोला है कि ये नमस्ते स्कीम किससे रिलेटेड है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है मैनुअल स्कै से रिलेटेड है ठीक है, इस है. है इसकी जो एब्रीविएशन है वो जब तक नहीं पता होगी कि इसकी एब्रीविएशन की फुल फॉर्म क्या है आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे ठीक है इसकी जो एब्रीविएशन है वो कहती है नेशनल एक्शन फॉर मैनुअल सैनिटेशन इसी तरह से कुछ है ठीक है अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूं नेशनल एक्शन फॉर मैनुअल सैनिटेशन इस तरह से मतलब मेन इसका क्या था मैनुअल स्कैवेंजिंग करके है कि मतलब जो जैसे हुआ क्या ना देखो बात है पहले इसका आंसर डिस्कस कर लेते फिर इसके बारे में बताते हैं इसका जो आंसर है वो है मैनुअल स्कैवेंजिंग और ये किसने किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावेंट इट इज वुमेन एमपावरमेंट ओके इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है तो इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है स्कीम क्या है नमस्ते है और किसके लिए काम हो रहा है मैनुअल स्कै के लिए काम क्या है मैंने ये भी बताया नमस्ते क्या था नेशनल एक्शन करके है इसको चेकआउट कर लेना बेटा एक बार ठीक है नेशनल एक्शन फॉर मैनुअल स्कैंग ऐसे करके कुछ है फॉर मैनुअल स्कैवेंजिंग या सैनिटेशन सैनिटेशन या स्कैवेंजिंग करके कुछ नाम है ठीक है सैनिटेशन या स्केवेंजिंग में चेक कर लेना अब पॉइंट ये है कि इंपॉर्टेंट क्यों हो गया भाई देखो एक तो स्कीम बता दी दूसरा बताया कौन सी मिनिस्ट्री लेके आ रही तीसरा बताया किसके बारे में तो सिंपली ये था कि जो इतने ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही है सेप्टिक टैंक्स साफ़ करने में या किसी तरह के भी यू नो सेफ्टी टैंक्स में वो क्लीनिंग कर रहे हैं तो उसकी क्लीनिंग के टाइम पर जब उनकी डेथ हो जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन्स की वो सपोकेट हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स की बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी राइट टू लाइफ है ऑल वो अपने प्रोफेशन को परस्यू कर रहे हैं बट उसके साथ उनकी लाइफ की जो इंटीग्रिटी है वो रहनी चाहिए

तो जब ज्वाइन किया है तो फाउंडिंग मेंबर तो हो नहीं होता ठीक अब कौन कौन से फाउंडिंग मेंबर तो पहले अपने ही आपका नाम ले लो इंडिया था क्योंकि किसकी बात हो रही है एशिया की बात हो रही है इंडिया था पाकिस्तान था ठीक है और उसके साथ और भी फाउंडिंग मेंबर्स थे जिसके बारे में आपको सर्च करना पड़ेगा ठीक तो ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने बता दिया एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना कि हेडक्वाटर कहाँ है ठीक है अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जिमेक्स ए और स्लिनेक्स अब इसमें से बताना है कि किसके किसके साथ हुई है तो अब आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है कि इसमें जैसे ही आपसे बोलेगा किस किस किसके साथ हुई है आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अब देखते हैं जिमेक्स जो है वो सबको पता है कि जिमेक्स जो है जापान के साथ हुई है स्लिनेक्स जो है वो श्रीलंका के साथ हुई है अब आप ये बताइए कि ए आई एम ई ट्वेंटी थ्री ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई है कि नहीं तो यानी दो स्टेटमेंट तो इसमें सही है थर्ड वाली हमें नहीं पता कि सही है कि गलत है तो लेट्स चेकआउट लेट्स आप देखिए चलिए कि आपकी स्टेटमेंट सही है कि नहीं टिल दैट टाइम मैं पानी पी के आती हूँ चलिए आज थोड़ा डिहाइड्रेशन ज्यादा लग रहा था ठीक है तो सही देख लेते हैं क्वेश्चन के आंसर को फिर से क्लीन करते हैं जिमेक्स जो है हमारी किसके साथ हुई जापान के साथ हुई है स्लेनेक्स जो हुई है श्रीलंका यानी श्रीलंका और इंडिया जापान के साथ हुई है ठीक है लेकिन ए आई एम ई जो है इन्होंने दिया हुआ ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे गड़बड़ है तो ये सही है ये सही है लेकिन ये गड़बड़ है अब सेकंड वाली गड़बड़ है तो कितने सही हुए खाली टू क्योंकि उन्होंने बोला हाउ मेनी पेयर ठीक तो मनी पेयर में टू सही है तो ओनली टू पेयर आर करेक्ट अब पॉइंट आया ए आई एम ई क्यों गलत है ए आई एम ई इसलिए गलत है कि क्योंकि ए आई एम ई हुई है इंडियन नेवी प्लस एशियान नेवी के बीच में ठीक है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको इस तरह से अलग बना देता है हो गया क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री थ्री नदी आइलैंड इज लोकेड इसमें है यूरीगे अर्जेंटीन पेरू या ब्राज़ील इसका आंसर क्या होगा ब्राजील का तो मैम आपको कैसे पता सीरियसली मुझे ये नहीं पता था मैंने जब इसके बारे में स्टडी किया डिटेल में देखा तब मुझे नॉलेज हुई कि ये क्या है इसके साथ जो मुझे आपको इंपॉर्टेंट लगा बताना वो ये लगा कि ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है आइलैंड क्योंकि इस आइलैंड के साथ क्या हो रहा है कि ये आइलैंड जो है अटलांटिक ओशन के नियर बाय जो भी बॉल्केनिक एक्टिविटी होती है ठीक है एटलांटिक ओशन के नियर बाय जो बॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी काफ़ी साल पहले उसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल ठीक हाँ, तो आगे बात समझ में अब इसके साथ हम नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है अच्छा एक बात और याद रखना है इसमें ठीक है जो चीजें याद आती रहती हैं बेटा बताती रहती हूँ ठीक ब्राजील में ये बात तो थी कि बॉल्केनिक एक्टिविटीज है दूसरा एक चीज और है कि यहाँ पे ना इसलिए भी इसका एल नेम है क्योंकि ये इस टाइप की एक बर्ड है और बहुत सारी फ्लोरा एंड फोना है जो यहाँ पे मिलता है ठीक आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है अब इसको बहुत ध्यान से पढ़ना ये तो बता लोगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी याद रखो तो अगर आपको याद होगा वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ये किसका है ये पूछ रहे हैं पहले तो पहले ही बच्चे को है मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन मुझे लाके इतना प्रूव हो गया कि आपको इसमें डाउट नहीं होगा ठीक ये जो इनिशिएटिव है वो जापान का है गड़बड़ तो यहीं पे हो गई मैम अब मैं इसीलिए इसको तुरंत ही बता दी क्योंकि मेरे को नहीं लगता किसी भी बच्चे को ये नहीं पता कि ये जापान का नहीं है ये किसका है ये चाइना का इनिशिएटिव है है ना अब आगे देखिए इट एम्स टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी इन कॉपरेशन बिटवीन ट्रांस कॉन्टीनेंटल स्टेट ये वाली बात कहीं से भी गलत नहीं है ये वाली बात सही है सिर्फ ये वाली बात गलत थी तो कितनी सही है अब इसमें देखो क्या कह रहे हैं ये नहीं पूछ रहे कि हाउ मनी इन्होंने क्या पूछा विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज राइट तो ओनली टू स्टेटमेंट इज राइट तो ओनली टू विल बी द आंसर बात समझ में आ गई एक चीज जो इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट नोटिंग के लिए लिख लो इंपॉर्टेंट नोट आपको ये ध्यान देना है कि चाइना दो तरह की पॉलिसी होता है डिफेंस वाले बच्चे हो सीडीएस के लिए जा रहे हो स्लैश एनडीए के लिए जा रहे हो दोनों के लिए प्रोमिनेंट हो जाता है ठीक है इसमें देखो चाइना है चाइना दो तरह की एक पॉलिसी जो फॉलो करता है वो है ट्रैप पॉलिसी एक्सक्यूज मी फॉर द राइटिंग और दूसरी जो फॉलो करता है वो है पेरीफेरल डिप्लोमेसी ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो डेप ट्रैप में वो क्या करता है जैसे श्रीलंका में आपको हमर टोटा पोर्ट के बारे में सुना होगा तो वो क्या करता है कि पहले दूसरे देशों को पैसा लीज पे देता है और उसके बाद जब वो पे नहीं कर पाते तो उसको हाईजैक कर लेता है उसको कहीं कही ना कहीं ऑक्यूपाई कर लेता है ठीक है तो ये तो हो गई डेप ट्रैप पॉलिसी डेप्ट इतना ज्यादा उसको पहले सपोर्ट कर देगा फिर वो इतना कंट्री डेप्ट में चला जाएगा कि उसको चाइना को हेल्प करने के लिए रेडी हो जाएगा या चाइना को समर्पित कर देगा अपने आप को ठीक और पेरीफेरल डेमोक्रेसी डिप्लोमेसी ये होती है कि जैसे मान लीजिए चाइना है चाइना कितने नेशन से सराउंडेड

एक्सटेंड तक मीन होता है ठीक है तो यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही था जो मैंने आपको बता दिया इसमें ये वाली बात गलत थी क्योंकि ये चाइना ने शुरू किया था और वो भी 2013 के आसपास ठीक है और ये वाली बात में ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टेट पे जाती है ये बात भी बिल्कुल सही है तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया ओनली टू क्योंकि विच ऑफ द स्टेटमेंट पूछा गया था अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल कह रहा है वैगनर ग्रुप के बारे में अब कहते तो मैम ये क्वेश्चन आप एक बार करा चुकी हैं हाँ करा चुकी हूँ बिल्कुल करा चुकी हूँ बट इस बार जो क्वेश्चन है उसका वे ऑफ आस्किंग अलग है आप देखो इसको ध्यान से ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एन डी ए सी डी एस एफ कैट किसी भी एग्जाम के लिए आप जा रहे हो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है इट इज एन ऑफिशियल आर्मी ऑफ रशिया यहीं पे गड़बड़ कर दी मैम ये तो कोई भी आसानी से पहचान जाएगा कि ये स्टेटमेंट गलत है अब इसमें देखते हैं इट इज ओनली ऑपरेटिंग इन यूक्रेन ये वाली भी बात गलत है क्यों गलत अब देखो ऑर्गेनाइजेशन हैड एज प्रोन ठीक है ये वाली बात सही है अब कहो मैम आपको कैसे पता बेटा आपको कैसे पता से पहले अगर आपने रेगुलरली करंट अफेयर्स फॉलो किए ना तो ये बात आप खुद बता दोगे ठीक मैंने उस दिन भी बताया था कि ये ऑफिशियल आर्मी नहीं है ये ऑफिशियल आर्मी नहीं है ये कैसी है ये प्राइवेट यहां लिख देती हूं ठीक है वैगनार जो है प्राइवेट पैरामिलिट्री आर्मी है जो कि कहाँ पे वर्क कर रही है रशिया में वर्क कर रही है ठीक है अभी ऐसा नहीं है कि वहाँ की प्राइवेट मिलिट्री आर्मी तो वहीं काम करती थी रशिया कहीं ना कहीं की पहले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत थी भी लेकिन अब पूरी तरह से रिबिलियन हो गई है नेक्स्ट इज इट इज ओनली ऑपरेटिंग इन यूक्रेन ये वाली बात गलत है मैंने उस दिन बताया था कि वो यूक्रेन में तो काम करी है ये अफ्रीका के भी कुछ कंट्रीज में थी और उस समय स्पाई का, का काम करती थी या उनपे नजर रखती थी आई रखती थी ठीक है आई ऑन देम तो ये सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन तक लिमिटेड नहीं थी थर्ड वाला कह रहा है कि प्रिगोजिन उसके हेड है ये वाली बात सही है ठीक है इनका वैग्नली प्रिगोजिन करके नाम है और ये उसके हेड है और ये पहले रशिया के लिए ही काम करते थे पर धीमे धीमे इन्होंने अपनी प्राइवेट मिलिट्री आर्मी बनाई और इन्होंने खुद बोला है कि इन्होंने ये आर्मी ट्वेंटी फोर्टीन में बनाई थी ठीक है किस में बनाई थी ट्वेंटी फोर्टीन में ठीक तो ये आपके लिए इतना जानना इंपॉर्टेंट जाता है तो इसमें अगर मैं आंसर देखूं तो ओनली वन ही सही है क्योंकि थर्ड वाला खाली सही है बाकी दोनों गलत हैं ये दोनों गलत है खाली ये सही है तो ओनली थर्ड विल बी द आंसर और अब इसमें पूछेंगे सॉरी एक मिनट रुक जाना बेटा एक गलती देखो मैंने भी कर दी आपको समझाते समझाते इसमें क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी स्टेटमेंट आर राइट तो खाली अगर ये सही है ये गलत है और ये गलत है तो इसमें ओनली वन स्टेटमेंट इज राइट आंसर होना चाहिए है ना इसीलिए कहती हूँ कि बींग अ ह्यूमन हम गलती करते हैं चाहे वो आप हो चाहे हम हो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए बहुत केयरफुल है ना बहुत केयरफुल क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक हूमन वर्ल्ड डेवलपमेंट की रिपोर्ट आई है ट्वेंटी की और उसके रिगार्डिंग है ये कैसी रिपोर्ट है इट इज़ द फर्स्ट मेजर कॉन्फ्रेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशनस टू वॉटर फिफ्टीन हाँ ये है कि नहीं आप बताओगे अकॉर्डिंग टू इट ट्वेंटी वर्ल्ड पहले तो इसी जगह से एक बात याद रख लो एस डीजी के जितने गोल्स हैं उसको रफली माइंड में रखा करो रफली कीप इन माइंड ठीक है इसको रफली माइंड में रखो अब इस चीज़ को अगर हम देखें और अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करें स्क्रीन क्लीन करके तो बेटा बात समझो इट इज फर्स्ट मेजर कॉन्फ्रेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेडिकेटेड टू वॉट सिंस नाइनटीन फिफ्टी इसमें गड़बड़ है और एक गड़बड़ नहीं दो गड़बड़ है पहली बात ये तो आपने सही बोला कि फर्स्ट है ये वाली बात जो इतनी है ना बेटा ये देखिए यहाँ पे अगर मैं क्लीन करूँ एक सेकेंड इतनी बात जो है ये वाली बिल्कुल सही है बस गलती कहाँ पे हो गई यहाँ पे हो गई क्योंकि ये पहले किसका हुई थी नाइनटीन सॉरी नाइन्टीन सेवेंटी में इस पे डिस्कशन हुआ था ठीक है और उसके बाद डायरेक्ट कब हो रहा है अब हो रहा है तो इसलिए 1950 फिफ्टी यहाँ पर नहीं होगा अब क्लीन करते हैं अकॉर्डिंग टू 26 परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डज नॉट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर ये बात बिल्कुल सही है ये रिपोर्ट में ये बात बोली गई है इवन इंडिया भी, में भी बोला गया है कि ट्वेंटी ट्वेंटी तक हमारा टारगेट था कि हम हर घर में सैनिटेशन और हाउस होल्ड में पानी ले आएं लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं हो पाया है ठीक है अब इसी तरह से इट फोकसेज ऑन फुलफिल एसडीजी सिक्स गोल तो ये वाली बात भी सही है एसडीजी सिक्स गोल है क्या किसके लिए काम करता है वाटर ये लिख देती हूं मैं एस डी जी सिक्स वाटर सैनिटेशन ठीक है वाटर सैनिटेशन और किसके लिए काम करता है हाउस होल्ड वाटर टैप मतलब वाटर टैप हर जगह होना चाहिए और सैनिटेशन होनी चाहिए इस पे है और कब तक होनी चाहिए ट्वेंटी तक ये इसका गोल था तो बात बहुत सिंपल सा है अब स्क्रीन क्लीन कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बचा है नहीं बचा है एक चीज़ और सुन लो एक रिव्यू दे देती हूँ थोड़ा सा टाइम नहीं मिला तो दे नहीं पाई ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसका कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई है जिसमें डिस्कशन हुआ है ठीक है और इसमें एक पहले क्या था एक पोर्टल बनाया गया था ट्वेंटी से ट्वेंटी तक वो चलना था जिसपे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वाटर के रिलेटेड जितने भी एक्शन होने थे वो लेने थे ठीक है जो कि इसी पर डिस्कशन हुआ है कि वो कितना कॉन्ट्रीब्यूटली या कितना अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है ठीक इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए करंट के लिए इंपॉर्टेंट है अब ये करंट पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैगनर जो है जब एससीओ समिट हुआ तो जो रशिया था रशिया ने थैंक्स किया ठीक है रशिया ने थैंक्स किया एससीओ समिट में सपोर्ट के लिए किसके अगेंस्ट वैगनार कि वैगनार के अगेंस्ट जो सपोर्ट मतलब वैगनार के अगेंस्ट हैं और, और लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको वो चीज उसको पसंद आई अब क्वेश्चन ये था कि इनिशिएटिव ऑफ जापान तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव आपको पता है कि चाइना भी और अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है तो ये क्वेश्चन वहाँ पे इंपॉर्टेंट जाता है फिर आपके क्वेश्चन था आइलैंड ये इसलिए न्यूज़ में है कि अभी कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखने को मिली जो कि इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है फिर ये क्वेश्चन तो ऑब्वियसली यूनिवर्सल है इन क्वेश्चंस को तो आप छोड़ ही नहीं सकते मतलब इसमें तो मैं इसमें कितना भी हाई चला दूँ ये बात आप पढ़ो या ना पढ़ो ये अलग बात है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है अब आगे देखिए Uh, इसके बाद हम अगर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो ये वाला था एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात पता है क्यों हुई थी क्योंकि अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी कुछ सीरीज ऐसी ली है जिसमें कुछ न्यू इनिशिएटिव लेने जा रहा है अलग अलग सी स्कीमों के ऑर्गनाइजेशन की तरह है. तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट ये वाला बताई दिया था लॉन्च हुई है और इसके बाद आपको ये क्वेश्चन कराया था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसको आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलिए और जैसे ही हम इस क्वेश्चन पर आते हैं हमारी जो स्लाइड है चेंज करें और अपने एंड पे आएँ जो कि इसके बिना हमारी ये बीबीटी बी टी का नहीं होती तो इसके साथ जय हिंद जय भारत वी विल मीट यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो ओके टिल दैट टाइम स्टेट ट्यून्ड कीप स्टार्टिंग एंड की गेट मोटिवेटेड और अब बस लग के पढ़ लो साठ दिन से भी कम का समय बचा है ओके थैंक यू